Hello guys, in this video I had shown some best player T1 scrim game. Z-God और उसके बाद बहुत आखिरी में जाके जोनाथन ने अपनी टीम के लिए एडवांटेज क्रिएट किया था, बट सामने TSM है और TSM वर्सेस गॉड लाइक अगर फाइट नाइट टीम के ग्रैंड फाइनल देखने को मिल गया, प्रे आ रहा है शैडो की तरफ से, किसके ऊपर, वो जोनाथन के ऊपर, जोनाथन बहुत ओपन में, एक एचपी से बच गए एंड इसका बदला जॉनी जरूर लेगा। शैडो अपने नाम की वर्थ प्रूफ करते हुए साय की तरह पीछे पड़ गए थे जोनाथन के अभी, बट पीछे छुड़वा लिया किसी तरीके से जोनाथन ने, कवर के अंदर चले गए हैं। अब बारी आ जाती है गॉडल गिल की, एक्वानॉक्स को जवाबी हमला सिंगल टैप्स। मैं इसलिए गिल को हमेशा एक बहुत बढ़िया वर्सेटाइल प्लेयर मानता हूं। आप UMP दे दें, आप M4 दे दें, AKM दे दें, या दे दें मिनी और या फिर स्नाइपर, किसी भी तरीके का रोल हो, कोई भी तरीके का वेपन हो, गिल जब आ जाते हैं मीरार में चढ़ जाते हैं ऊपर एक हिल और जीत लेते हैं सबका दिल। मजा आ जाता है इनकी परफॉर्मेंस देखने में। जो नॉक अभी के लिए निकाला है वो अभी तक के लिए गॉड लाइक के फायदे में जाएगा। TSM जो कि टेबल टॉप पर है उन्हें थोड़ा सा पीछे लेके जा सकती है। जॉर्डन ने यहां पर स्काइलाइट्स के गमला बॉय, सारी वो टीम्स यहां पर अभी दिक्कतों में आती नहीं जो टेबल में टॉप पर है। Absolutely, and Jonathan and Godlike की टीम अगर टॉप पर नहीं है, बट अभी इस दो मैप की अगर मैं बात करूं कल तो वो टॉप पर ही नजर आए। Godlike के नाम आता हुआ, आपने कल एक बात बोली थी Godlike के बारे में कि ये दो दिन खेलने नहीं आया, बट मैं भाई दो दिन बाद भी खेलने आएंगे ना तो आप देखना टेबल में उछल पुछल होगी और वो होती भी दिख रही है। दो दिन की टेबल बना दो तो Godlike टॉप पे है। Absolutely, आपने इसीलिए तो मैंने बोला कि आपको टॉप पे नहीं दिख रहे तो दो मैपों में टॉप पे ही है ये आप समझ लीजिए। बट स्काईलाइट्स को परेशान कर दिया, आप सोचिए आप व्यक्ति को देखिए वो पीक कर एंड गिल जिस तरीके से मिनी 14 के शॉट कनेक्ट कर रहे हैं उनको बस सिर ही दिख रहा है, बॉडी दिख ही नहीं रहा है। एंड एज अ प्लेयर आप हेडशॉट ही कनेक्ट करना चाहोगे क्योंकि अगर आपने पहला दे दिया हेड तो फिर वो प्लेयर या तो दोबारा गलती नहीं करेगा हेलमेट दिखाने की या तो वो नॉक है। सामने स्काउट एंड टीम एनिग्मा फॉरएवर जो एक सेकंड के लग रहा था कि एडवांटेज में होंगे बट सर्कल ने उनको एडवांटेज इस बार नहीं दिया है, बट गॉब्लिन फिर से राय के द्वारा नॉक किए जाएंगे। 8-bit अभी भी देखिए वो डिसएडवांटेज में है बट वो सामने वाली टीम को भी एडवांटेज लेने का मौका नहीं दे रहे, वो गॉब्लिन को इमीडिएटली फिनिश ऑफ भी कर देंगे। टीम स्काउट जीत क्या यहाँ पे नॉक कर पाएंगे, आई थिंक कंपाउंड के अंदर चले गए हैं, रुक चुके हैं स्काउट, उनको हील अप करना पड़ेगा एंड टीम एक्सपा के पास हीलिंग है ही नहीं। कमाल का इनिशियल डैमेज दिया दलजीत ने, मतलब एक क्या दो ही बुलेट कनेक्ट हुए वो सारे हेड के पर पीछा तेरा नहीं छोड़ूंगा, बट बावजूद उसके उन्हें डाउन कर दिया जाता है मुझे और बंदा नॉक M4 से ज्यादा फायदेमंद साबित हो रही है ये गन। एब्सोल्युटली अभी के लिए तो इसी को एक आउटकम हमें देखने को मिले, बट फ्रेंड्स बहुत क्लोज है डेस्ट्रो के, फ्रेंड्स अभी भी अपना पोजीशन रिवील नहीं किया, हेक्टर अभी भी जिंदा है, हेक्टर भी बहुत कम एचपी पे है, बट अगर ये नेट डेस्ट्रो का हेक्टर की तरफ गया तो शायद से नॉक हो सकता है, बट डेस्ट्रो अभी फोकस नहीं कर रहा हेक्टर के ऊपर, फोकस कर रहा है 7C के प्लेयर्स के ऊपर क्योंकि देखिए नंबर एडवांटेज अभी इस वक्त तो केविन के पास ही है, उनके पास सबसे अच्छा मौका यहां पे चिकन डिनर कन्वर्ट करने का, बट आई थिंक रॉबिन यहां पे फोकस कर रहा है हेक्टर के ऊपर, हेक्टर को बचने का मौका नहीं दिया जा रहा है, उनके ऊपर मोलोटॉव ग्रेनेड यहां पे डेल्टा पीज को डाउन कर दे, क्या हेक्टर यहां पे पोषण करेंगे, बट अभी के तो छुपे हुए हैं क्योंकि देखिए वो अकेले हैं, यही तो प्रॉब्लम है जब अकेला प्लेयर होता है वो ज्यादा चीजें पुल ऑफ नहीं कर सकता है। ये सवाल ये है कि क्या हेक्टर के पास और ग्रेनेड्स हैं, बिकॉज जिस जगह पे ग्रेनेड करके एक नॉक करा है वहां इंस्टेंट रिवाइवल मिल रहा है, एक और ग्रेनेड फायदेमंद साबित होगा। फिनिश स्पीड रीड करिए केमिनी स्पोर्ट्स का, एक और प्लेयर नॉक हुआ है, मतलब एक्चुअली वही प्लेयर नॉक हुआ है जिन्हें पहले नॉक किया गया था रेव मिलने के बाद, बट उन्हें फिनिश ऑफ कर दिया जाएगा। तो हेक्टर जितनी ज्यादा पेशेंस रखेंगे जितना ज्यादा फिनिश स्पीड को रीड करेंगे उतना फायदा होगा। एक और प्लेयर नॉक करने का मौका, बट प्रिंस ने यहां पर ट्रेड ले लिया केमिनी स्पोर्ट्स का, भी फायदा उन्हें हेक्टर के पास मौका है, हेक्टर इस मैच को और बड़ा बना सकते टीम सोल के लिए। देखते ही देखते जो टीम प्रॉपर मैन एडवांटेज के साथ सर्वाइव कर रही थी वो यहां से डाउन हो चुकी है, क्रेडिट जाएगा 7C के पास, बट क्या हेक्टर 7C के पास कर पाएंगे स्प्रे गॉड, आ जाएगा लगी फॉर्म में ये प्लेयर, दो मैचेस के 11 से 12 फिनिश के बुक आनी चाहिए।